हमेशा स्वस्थ रहने के घरेलू उपाय ध्यान से सुने। नंबर एक, यदि ज़्यादा खा लेने की वजह से पेट में भारीपन महसूस होने लगे तो पुदीने के पत्ते को पानी में उबाल लें और फिर छान कर पी लें, इससे पेट का भारीपन दूर हो जाता है। नंबर दो, अगर आप खारिश की वजह से परेशान हैं तो खारिश वाली जगह पर प्याज या प्याज का रस लगाएं, इससे खारिश जल्दी दूर हो जाती है। नंबर तीन, जोड़ों और घुटनों के दर्द में एलोवेरा खाने से बहुत ही जल्द फायदा मिलता है। नंबर चार, जो लोग दूध में गुड़ मिलाकर पीते हैं उनके पेट की चर्बी बहुत जल्द पिघलने लगती है, जिससे मोटापा बहुत ही जल्दी कम होने लगता है, साथ ही कब्ज की समस्या भी नहीं होती। नंबर पाँच, जो लोग अजवाइन का इस्तेमाल करते हैं वह हमेशा स्वस्थ रहते हैं। नंबर छः, अगर आप अपनी स्किन को फ्रेश और जवान बनाना चाहते हो तो रोज़ाना एक गिलास कीवी का जूस पिएं। नंबर सात, गुड़ के साथ चावल खाने से कभी खांसी और गले में खराश जैसी दिक्कत नहीं होती। नंबर आठ, खजूर के साथ बड़ी इलायची खाने से बूढ़ी औरत भी जवान और खूबसूरत नज़र आती है। नंबर नौ, दुबले पतले लोग अगर खजूर के साथ भुने हुए चने का सेवन करते हैं तो उनका वज़न बहुत ही तेज़ी से बढ़ने लगता है और साथ ही शरीर की कमजोरी भी दूर होने लगती है। नंबर दस, रात को सोते समय चार चम्मच देसी घी में थोड़ा सा केसर मिलाकर पीने से कब्ज की समस्या दूर हो जाती है। नंबर ग्यारह, डार्क चॉकलेट खाने से गले की खराश खत्म हो जाती है। नंबर 12, अगर आप दिमागी तौर पर कमज़ोर हैं तो केले पर शहद लगाकर खाया करें, इससे दिमाग को ताकत मिलती है। नंबर 13, जो लोग कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा और पानी कम पीते हैं तो उनके गुर्दों को जल्दी नुकसान पहुंचने लगता है। नंबर 14, हमेशा खाना खाने के कुछ देर पहले पानी पीना चाहिए, बल्कि खाना खाने के दौरान नहीं पीना चाहिए, इससे शरीर को ताकत मिलती है। नंबर 15, यदि आप बालों की लंबाई बढ़ाना चाहते हैं तो एलोवेरा का रस पानी में मिलाकर बालों में लगाएं, इससे बालों की ग्रोथ अच्छी होगी और आपके बाल नरम, मुलायम और खूबसूरत भी हो जाएंगे। नंबर 16, अगर पेशाब रुक रुक कर आता हो और जलन महसूस होती हो तो रोज़ाना एक नारियल पानी ज़रूर पिएं, इससे बहुत ही जल्दी आराम मिल जाएगा। नंबर 17, यदि उल्टी की समस्या हो तो सूखा धनिया चबाने से उल्टी नहीं आती। नंबर 18, गाजर का मुरब्बा खाने से दिल सेहतमंद रहता है और आंखों की रोशनी भी तेज होती है। नंबर 19, सुबह खाली पेट एक गिलास गुनगुना पानी पीने से पेट में गंदगी जमा नहीं होती और पेट साफ रहता है, साथ ही मोटापा कम करने में भी मदद करता है। नंबर 20, अगर आपके होंठ फट रहे हैं तो देसी घी को गर्म करके होंठों पर लगाएं, इससे आपके होंठ मुलायम हो जाएंगे। नंबर 21, अगर आपको सूखी खांसी की समस्या है तो दूध में सेवइयां बनाकर उसमें देसी घी मिलाकर खाएं, इससे सूखी खांसी की समस्या खत्म हो जाती है। नंबर 22, यदि आप अपनी डाइट में रोज़ाना कच्चा प्याज खाते हैं तो इससे आपके चेहरे पर कभी झुर्रियां नहीं पड़ेगी। नंबर 23, यदि हाथ जल जाए तो उसी समय कोलगेट लगा लें, इससे आपको ठंडक महसूस होगी। नंबर 24, रोज़ाना सुबह खाली पेट थोड़ी सी कलौंजी का सेवन करने से वज़न कम होता है। नंबर 25, अंगूर का सेवन करने से या अंगूर का जूस पीने से आप वायरस और बैक्टीरिया से सुरक्षित रह सकते हैं। शरीर में खून की कमी होने पर आप अंगूर के जूस का सेवन ज़्यादा किया करें, जल्दी आपको फ़ायदा मिलेगा। नंबर 26, अगर सुबह आपका पेट साफ नहीं होता है तो रात को सोते समय एक गिलास दूध में दो चम्मच शहद मिलाकर पी लिया करें, इससे सुबह आपका पेट आसानी से साफ हो जाएगा। नंबर 27, अगर आपकी नज़र कमज़ोर होने लगी है तो रोज़ाना सुबह आंखों में सुरमा ज़रूर लगाएं, इससे नज़र तेज़ होने लगेगी। नंबर 28, यदि दांत में दर्द हो रहा हो तो दांतों के नीचे लौंग दबा लें, इससे दर्द में राहत मिलती है। नंबर 29, अगर आपको सांस फूलने की समस्या है तो रोज़ाना सुबह नाश्ता करने के बाद एक इलायची खा लिया करें। नंबर 30, सिर में बादाम के तेल की मालिश करने से दिमाग को ताकत मिलती है। नंबर 31, यदि कमर में दर्द रहता हो तो सोने से पहले कुछ देर उल्टा लेटकर कमर पर थोड़ी देर हल्की वजन वाली चीज़ रख लिया करें, इससे कमर दर्द में राहत मिलती है। नंबर 32, शकरकंदी का सेवन करने से व्यक्ति को भूख का एहसास कम होता है, जिससे वजन कम करने में मदद मिलती है। शकरकंदी विटामिन और मिनरल से भी भरपूर होती है।
नंबर 33, आलू बुखारा खाने से आंखों के नीचे डार्क सर्कल नहीं होते और चेहरे पर भी ग्लो रहता है। नंबर 34, नारियल और चुकंदर खाने से हड्डियों के जोड़ मजबूत होते हैं। नंबर 35, खाना खाते समय रोटी कम और सब्जी ज़्यादा खाने से शरीर स्वस्थ रहता है। नंबर 36, अगर आपके शरीर में सुस्ती बनी रहती हो तो नहाने से पहले शरीर पर सरसों के तेल की मालिश किया करें, इससे शरीर फुर्तीला रहता है। नंबर 37, जुकाम खत्म ना हो रहा हो तो काले चनों का शोरबा पी लो, इससे काफ़ी मदद मिलेगी। नंबर 38, अगर आपके पांव सुन्न होते हो तो जामुन के पत्ते चबाएं, कभी भी आपके पांव सुन्न नहीं होंगे। नंबर 39, रात के वक्त उबले हुए आलू नहीं खाएं, इससे बवासीर की परेशानी हो जाएगी। नंबर 40, मीठे चावलों में कलौंजी डालकर खा लो, आपके जिस्म में ताकत आ जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में बताई गई जानकारी एक सामान्य प्रक्रिया के लिए है। किसी भी बीमारी से पीड़ित होने पर डॉक्टर से सलाह लेकर ही नियम अपनाएं। और दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही कीमती है, तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। और अपने फैमिली, दोस्तों और रिश्तेदारों में अपने व्हाट्सएप इंस्टा पर ज़रूर शेयर कर दें। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, दुआओं में याद रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल फ्रेंड।